गढ़वा से 18 किलोमीटर दूर स्थित ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी विगत दिनों नागर घाट के समीप वार्ड क्रमांक 1 पार्षद राकेश डाकसे के पुत्र आयुष का शव संदिग्ध अवस्था में पुलिस को मिला था, जिसकी जांच पड़ताल स्थानीय मांधाता पुलिस द्वारा की जा रही है, किंतु 8 दिवस बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। स्थिति में रविवार को वार्ड पार्षद राकेश डाकसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और डाकसे समाज सदस्यों के साथ पुलिस थाना मांधाता पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार को ज्ञापन देकर अपने पुत्र के हत्यारों को शीघ्र हिरासत में लेने की गुहार लगाई। हम नगर पंचायत में हमारे परिसर वाले पार्षदगण, अध्यक्षगण और हमारे समाज वाले और हमारे परिवार वाले, हम इस समस्या लेके आए हैं कि हमारी समस्या का टी ए साहब को हमने 2 बार बताया। टी ए साहब ने बोला आप आइए, हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे और हम आपका पूरा इस जिस घटना घटी है इस घटना को हम पूरी पूर्ण रूप से इसको 1-2 दिन में हम निवाल कर देंगे। और आपसे परिवार और हमारे पत्रकारों से भी निवेदन है कि इसको थोड़ा गहराई से लेके और इस ओंकारेश्वर के अंदर में से बार बार घटनाएँ हो रही है, इसके लिए हम टीआई साहब से भी निवेदन करेंगे और आप जनता से भी करेंगे कि थोड़ी उजागर होकर अपनी जनता अपने ओंकारेश्वर में ये व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है और ये चल रहा है, इसको बंद करिए। बड़वा से विकास पवार की रिपोर्ट।